हेलो दोस्तों, टेक्निकल अमर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कार शोरूम का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद GTA 5 का एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद मेन्यू स्टॉप में जाइए, तो बस पुनर में जाइए। उसके बाद GTA 5 मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। तो दोस्तों, इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको मेन्यू ट्रेनर की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको कार्ड पर दिख रहा होगा। मेन्यू ट्रेनर को इंस्टॉल कर लीजिए। मेन्यू ट्रेनर को इंस्टॉल करने के बाद GTA 5 मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTA 5 मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद ये मेन्यू स्टॉप दिख रहा है ना, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद उसके बाद स्पोनर में जाइए। उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ कार शोरूम का XML का फाइल दिख रहा है ना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। बस दोस्तों, इतना ही आपको करने का। चलो अब GTA 5 ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTA 5 ओपन करने के बाद मेन्यू ट्रेनर को ओपन कीजिए। मेन्यू ट्रेनर को ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ जो स्पोनर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ मैनेज सेव्ड फाइल्स दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा कार शोरूम XML, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद लोड प्लेसमेंट में जाइए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कार शोरूम आ चुका है। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।